महाराष्ट्र के पालघर में तूफान ताऊते की वजह से एक जहाज समुद्र में चट्टान से टकराकर फंस गया है। इस जहाज में अब तेल रिसाव हो रहा है जिससे जनजीवन पर खतरा बढ़ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है जिसका रिसाव जारी है। जानकारी के मुताबिक जहाज पालघर जिले के वडराई इलाके में समुद्र के किनारे फंसा हुआ है। ये जहाज अलीबाग से निकला था लेकिन तूफान ताऊते की चपेट में आने के बाद ये जहाज पत्थरों से टकरा गया है। अलीबाग से पालघर जिले की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। काफ़ी पथरीला है यह समुद्री इलाका। पालघर जिले के वडराई इलाके काफ़ी पथरीला है। समुद्री इलाके में कई बड़े बड़े पत्थर हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की परेशानी आती है। ताऊते तूफान के बाद जहाज सामान लेकर जा रहा था, इसी दौरान जहाज चट्टान से टकरा गया। जहाज के कई टुकड़े समुद्र में बहते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में तीन परिवारों पर दुख का कहर टूट पड़ा। यहां तीन बच्चों के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई और इसके बाद तीन परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बड़ौत क्षेत्र के गांव बिहरीपुर ट्योड़ी में गर्मी के चलते नहाने के लिए गड्ढे में उतरने से पहले तीनों बच्चे उसकी गहराई नहीं भाप पाए जिसके चलते उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जिस गड्ढे में तीनों बच्चों की डूबने से मौत हुई वह खेत निरपुड़ा निवासी अरविंद राणा का है। यह नीरज नयन के ईंट भट्ठे से करीब 700 मीटर दूर है। अनीस सावन व मनु शुक्रवार दोपहर में अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए वहां पहुंच गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि गड्ढा उनकी मौत की वजह बन जाएगा। परिजनों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उन्हें बच्चों के डूबने का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे आनन फानन पे मौके पर पहुंचे परंतु तब तक देर हो चुकी थी। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के थुलरई गांव में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस का वाहन भी तोड़ दिया और टीम पर पथराव कर दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। इंदरगढ़ क्षेत्र में खेत से तरबूज तोड़ने पर गाँव के दबंग लोगों ने दो किशोरों को तालिबानी सजा सुना दी। इनके सिर पर तरबूज रखवाया, कपड़ों पर सामने की ओर चोर लिखा, चेहरे पर काला रंग लगाने के बाद गांव में घुमाया। मेरठ में सरदाना क्षेत्र के अखेपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे व धारदार हथियार चले, पथराव और फायरिंग भी हुई जिसमें दो पक्षों के चार लोग घायल हो गए। संघर्ष में एक युवक के पैर में गोली लगी है। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया है।